Assalamualaikum, प्रोग्राम सियासी में हाजिर हैं नाजिन जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की इकॉनोमी एक साल पहले क्या हाल था उसका जब केयर टेक गवर्नमेंट थी उस वक्त काफ़ी लोग परेशान थे जिस वक्त इलेक्शन हुए लोग परेशान थे कि मुल्क की इकॉनॉमी वीक से कमजोर से कमजोर होती जा रही थी कोई पोलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं कर सका कि किस तरह से टेक ओवर करें और इस चैलेंज को कबूल करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग आगे बढ़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट फॉर्म की पीपल्स पार्टी उनके साथ आई गो के कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी लेकिन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो हैं उनमें उनका शेयर है प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या चेयरमैन सेनेट हो वो उन्होंने और या डिप्टी चेयरमैन आपका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तल आज नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी तमाम उसमें खड़ी है गवर्नमेंट के तमाम उसमें जो गवर्नमेंट uh, uh, के जो एफर्ट्स हैं और इसी वजह से पिछले छः सात महीने में आठ महीने में इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो हौसला अफजा हैं इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान पे इतमाद उनका बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे इतमाद बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक बारा कह चुके हैं कि गवर्नमेंट की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं गो के हम ये कह सकते हैं कि इकोनोमी पूरी तरह रिकवर नहीं की लेकिन ग्रोथ उस तरफ वो है राइट right डायरेक्शन में है गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आ, जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के उसको कम करना है प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है स्टेट ओन इंटरप्राइज जो खसारे में हैं जो एक बोझ बन गए हैं उनको हमने जो है प्राइवेटाइज करना है पीडब्ल्यूडी का मेहकमा पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया एफबीआर जो सबसे बड़ा आपका कह लें कि अगर उसमें रिफॉर्म कंप्लीट हो जाए डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो गई है और रिफॉर्म कंप्लीट हो जाए उनमें से उन एलिमेंट्स को साइड लाइन कर दिया गया जो जिन, जो कुछ हदफ हासिल ना कर सके या जिन पर इल्जाम था करप्शन का तो एफ बी आर कोई ऐसे कोई शक शोबे की बात नहीं है कि एफ बी आर अपने अदायफ जो गवर्नमेंट ने सेट किए उसको अचीव ना कर सके इसी पर हम बात करेंगे और साथ में जब इकॉनमी इस पोजिशन में हो ऑफ की पोजिशन में हो और बैरूनी सरमाकार खड़े हों और अपने विलिंगनेस शो कर रहे हों कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है कुछ दोस्त ममालिक ने सत्ताईस बिलियन डॉलर्स का जो है वो एक यकीन दिलाया है कि वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे लेकिन फिर साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अपोजिशन कौमी मुफाद को खातिर ना लाते हुए और कोई एजिटेशन की बात करे प्रोटेस्ट की बात करे पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करने की बात करें तो उसमें जाहिर है इंटरनेशनल फिर अदारे सोचते हैं कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में तो नहीं है तो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए इतजाज करना सबका हक है लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के मामलत को अगर पब्लिक को पुर्मन्त और पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब करेंगे तो उससे फिर इन्वेस्टर भी डिस्टर्ब होगा इसी पर आज हम गुफ्तु करते हैं और मैं अपने तारुफ़ का अपने पैनलिस्ट का तारुफ़ कराता चलूँ मेरे पहले पैनलिस्ट हैं अब्दुल्ला खान गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इकॉनोमी पे पॉलिटिक्स पे इंटरनेशनल रिलेशन पे हमारे साथ प्रोग्रामों में शिरकत करते रहते हैं मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब दर्श और तजीद से वापसता हैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में शोब इकतदियात के प्रोफेसर हैं मेरे तीसरे मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुलशकूर साहब हैं और इनका बलुस्तान यून ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप सबको खुश अब्दुल्ला खान साहब मैंने जो बा, बात की एक इकोनॉमी एक एक के हम प्रोग्राम भी करते रहे हैं, आप भी कोई इस वक्त कोई ये नहीं कह सकता कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की या नोज डाइक पोजिशन में है या कम से कम राइट डायरेक्शन पर चल पड़ी है और चीज़ें जिस तरह इशारे आ रही हैं इंटरनेशनल क्रेडिट क्रेडिट जो एजेंसीज हैं उनके हौसला अफजा है हमारा स्टॉक एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज वो भी एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शहजा फार साहब ये वाकई बहुत ही एक अहम मरहला है पाकिस्तान के लिए जिस फेज़ में हम है इस वक्त कि हमारी जो इकनॉमिक हमारी परफॉर्मेंस गुज्ता आदवार में रही है वो बड़ी खराब हो गई थी लेकिन अभी एक रिकवरी के फेज़ में आप इस तरह से कह सकते हैं जो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में आ चुका है इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी सिंगल डिजिट में है इसी तरह से जब आप ग्रोथ की इंडिकेटर्स देखेंगे ग्रोथ को देखेंगे पर कैपिटल इनकम को देखेंगे जी ग्रोथ को देखेंगे और प्रोडक्टिविटी को भी देखेंगे एक्सपोर्ट में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने में आ रही है अगर आप ग्राफ्स का जायजा लेंगे और साथ साथ में जैसे आपने भी जिक्र किया सत्ताईस बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है फ्रेंड्स ममालिक से वो यकीनन हमारी इकॉनमी को बूस्ट देने में और स्टिमुलेट करने में बहुत ही अहम किरदार उसकी होगी कमिटमेंट जो है यानी अगर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो इकॉनमी बूस्ट करेगी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी तो ये मेरे ख्याल से बड़ी एक खुश आहिंद मैं कह सकता हूँ सूरत हाल है कि हम कम से कम टेक ऑफ की सूरत में है और इसके लिए यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि इकतसादियात में दो दो फ्रेमवर्क्स और थ्योरीज है कि ये है कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के ताबे ये है इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के ताबे हो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो लीडरशिप और पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है वो हमारे इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा उसके असरत हमेशा से मुरतब होते आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी जिस सूरत हाल में इस वक्त है मेरे ख्याल से इससे जरूर बेहतरी आएगी जो ईज ऑफ बिजनेस है एस आई एफ सी का जो फॉर्मेशन है उससे काफ़ी मैं समझता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स उनका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में आके एनर्जी सेक्टर में क्लाइमेट सेक्टर में और इसी तरह से मुख्तफ सेक्टर्स है एग्रीकल्चर में है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें और इन्वेस्टमेंट करें एक चीज़ है हमारी जो एक्सपोर्ट करंट अकाउंट्स डेफिसिट में बेहतरी तो आई है वो ज़्यादा इनहिसार अभी वो वो ट्रेडिशनल सेक्टर जो हमेशा से हमारी इकॉनॉमी में रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस है कॉटन है फ्रूट है जबकि हमारा इंपोर्ट अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो आ, उन सेक्टर्स में है जिनमें हमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है यानी आप देखें प्रो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है पाम ऑयल है इसी तरह से एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की यकीनन इस जानब तो मरकूज है बहुत ज़्यादा काम आ, करने की जरूरत है जो रिफॉर्म्स का एक एजेंडा आपने बात की कि एफ एफ बी आर में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए ऑफकोर्स उससे रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा और वो सेक्टर जो कि डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में है यानी फजूल किस्म की बहुत सी ऐसी वैकेंसीज थी हमारे बजट में फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविसेज में भी जिनको एबॉलिश भी किया गया और मजीद भी राइट साइजिंग पे पूरे पाकिस्तान में काम कर हो रहा है और बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त भी बर्डन है हमारी इकॉनमी में कुछ तो ऐरान हो चुका हैकूमत ने बड़ा एहसन कदम है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको एबॉलिश करने के ऐलान किए गए हैं लेकिन अबाइज करने सेक्टर को देने देने ज़ूरत की जरूरत है।, है और पब्लिक प्राइवेट जो हैं, जो बोझ बोझ उनसे जान छुड़ाने की मेरे ख्याल से फौरी तौर पर करने की जरूरत है मैं थोड़ा आज के प्रोग्राम को आ, सीन सेट करने के लिए मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो हमारे रिफॉर्म्स एजेंडा है रिफॉर्म्स एजेंडे में यह है कि जो कंस्टेंट्स होती है मोनोपोली की वजह से उसको किल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंफॉर्मेशन को मैक्सिमाइज करना अब भी हो रहा है वेबसाइट पे मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के और स्टेट बैंक के वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन मौजूद लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉमेशन डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी देने की जरूरत है और इंटरनेशनल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन फराम की जाए कि पाकिस्तान में ईज ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में उनके लिए इंसेंटिवस हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी आ सकें सिर्फ हमने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रियलाई नहीं करना है बल्कि डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हमें करना, है, बूस्ट करना है और सेक्टर को चेंज करने की जरूरत है ट्रेडिशनल सेक्टर से हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज सेक्टर पर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है मैं समझता हूं कि लेकिन ये खुश आहिंद है कि इस वक्त हमारी इकॉनॉमी एक टेक ऑफ की सूरत हाल में है डॉक्टर अजीज साहब जाहिर है आपका आप, शोबा यही है और आप देखते होंगे कि वीक इकॉनॉमी एक सबके लिए परेशानी का बायस होती है लेकिन यह कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर उस तरफ हो और चीजें वो इस तरह सेट करें गोल्स अपने लिए तो कुछ हौसला अफजा भी है और जैसे एग्जम बैंक का क्याम जो फैसिलिटेट करता है आपके इंपोर्टर्स को एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को जो दूसरे मुल्कों में था शायद हमारे जो हैं वो एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स में हम उन चीज़ों को देखते थे या आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाएं जैसे हमारे मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या एफ बी आर की डिजिटाइजेशन है उसको रिफॉर्म करना है और एक बहुत ही अच्छी बात शायद स्टार्ट इधर से ही हो जाए कि अभी मलेशियन प्राइज प्राइम मिनिस्टर इधर थे अनवर इब्राहिम साहब तो उन, उन उनके वो उन्होंने वो किया कि 200 मिलियन डॉलर्स का जो है उन्होंने कम एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है चीज़ें उसमें और आ, फिर साथ में कुछ एक लाख टन चावल ये ये भी वो एक्सपोर्ट करेंगे मीट जो है 200 मिलियन hmm. का आ, हलाल मीट उन्होंने का मिल वो hmm. करेंगे ये एक थोड़ा सा टेक ऑफ की तरह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरह तरफ पाकिस्तान नहीं जा रहा थैंक यू साहब शुलर इनवाइटिंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने बिल्कुल बजा कहा कि सरकार की पॉलिसीज जो है वो बहुत जरूरी है इकोनॉमी को एक राइट right ट्रैक पे लेके आना अब जब इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो किरदार है वो बेसिकली एक अच्छे और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ में जो है मतलब वो हो सकता है कि इकानोमी को अच्छी पोजीशन तक ले अब इकॉनमी में सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है मेन दो पॉलिसी होती है जो हमारे यहाँ जो है वो एक मॉनट्री पॉलिसी जो स्टेट बैंक की परमिसज में आती है उसका काम है और अब जो है फिजिकल पॉलिसी जो है वो है इसके साथ जो है वो ट्रेड पॉलिसी भी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी पॉलिसीज है इंडस्ट्राइजेशन डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सरकार की पॉलिसीज आती है पहले ये था कि पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं थी एक गवर्नमेंट आती थी उसकी जो पॉलिसीज बनती थी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती थी वो खत्म हो जाती न्यू नए सिरे से स्टार्ट हो जाती थी इस दफा गवर्नमेंट ने यह कम कि मतलब पिछले गवर्नमेंट को इससे फेले उसमें कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखने की कोशिश की एक खुशहंद और अच्छा अमल है दूसरी बात यह किया कि मतलब पॉलिसी जो है वो सस्टेन बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने एफर्ट स्टार्ट किया सपोज इसका एग्जाम्पल जो एस आई एफ सी है जो दो हजार तेईस में बनी थी इसमें सिविल और मिलिट्री जो दोनों आपके सरशिप लीडरशिप जो है उसमें एक्टिवली जो है मतलब रिस्पॉन्ड करता है सही है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए ये बहुत अच्छी और खुशायंद बात है इससे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सपोर्ट भी दिया जा रहा है तो इसका ये मतलब है सरकार जो है बहुत ही सीरियस दफा अपनी पॉलिसीज को जो है आगे लाने में और इसको जो इम्प्लीमेंट करने में और इससे जो है वो इकोनॉमी को फायदा पहुँचाने में जो ऑटोमेटिकली आम आदमी को इसका फायदा पहुँचेगा इसी तरह जो है मतलब अगर मैं हम लोग जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें मॉनिटरी पॉलिसी जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो सरकार ने उस दौरान इन्फ्लेशन रेट जो था वो ज़्यादा किया ज्यादा किया इक्कीस बाईस परसेंट तक लेके गए थे लेकिन जैसी जो है इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई चूंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का इकोनॉमिक जो बताते हैं कि ये जो है वो इन लाइन होना चाहिए सो दैट कि आम लोग जो है वो अफेक्ट ना हो क्या जी आप लोग बताते हैं बिल्कुल सही तो ये है कि जैसे मतलब इन्फ्लेशन कम हो <laughs> गई तो सरकार ने इस चीज को जो है मतलब सबसे बेहतरीन बात जो सरकार इस वक्त जो इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके अपनी पॉलिसी की बात की कि पॉलिसीज जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ इशारों के साथ रिस्पॉन्सिव हो गई है उसी मुताबिक जो पॉलिसीज जो है मतलब वो चेंज करने की कोशिश कर रही है यानी इकोनॉमी को बेहतर करने के न कि स्पेसिफिक सेक्टर को स्पेसिफिक ग्रुप को या एक किस्म की तो इससे अंदाजा हो जाता है इसी तरह सरकार ने अपनी जो फिजिकल पॉलिसी अपनी एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सब बड़ी दो तीन चीज़ें जो है वो सही अस्टरिटी मेजर जो है वो उठाए गए यानी ये कह सकते हैं आउट ऑफ फोर्टी ऑर्गेनाइजेशन मेरे खाले पंद्रह से सत्रह तक जो है वो प्रोडक्टिव है बाकी नॉन प्रोडक्टिव है तब सरकार ये सोच रही कि जो नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो या मिनिस्ट्री से कुछ जो है वो विंग्स हो या डिवीजन हो या फाइनेंशियल गवर्नमेंट में कुछ इस तरह के जो है वो डिपार्टमेंट्स आए जो फेडरल मिनिस्ट्री डिवीजन के साथ ही जो है वो काम कर अगर वो प्रोविशल मैंडेट है तो सरकार पॉलिसीज के तहत उन ऑर्गेनाइजेशन को या उन मिनिस्ट्रीज़ को या डिविजन्स के उसके सेगमेंट्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है यानी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आ, काम जो है वो सरकार ने स्टार्ट किया हुआ यानी फोटी परसेंट जो न्यू मेरे ख्याल में अभी जॉब्स आ रहे थे पब्लिक सेक्टर में उसको अबोलिश बायदा जो है अबोलिश कर दिया गया तो इट मीनस के सरकार की जो पॉलिसीज इस वक्त जो बन रही है वो बड़ी एक किस्म की इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो जैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिव आ जाए इकोनॉमिक सेक्टर सेक्टर को डिफरेंट और ये और ये और जाहिर है ये पॉलिसीज अट्रैक्ट करती है उन इन्वेस्टर्स को एग्जैक्ट exactly. जो समझते हैं कि ये ग्राउंड तो बहुत अच्छा yes, है बिल्कुल एग्जैक्ट जब हम लोग ये कहते हैं कि मतलब पॉलिसीज जो है मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या इकोनॉमिक जो ओवरऑल डायनेमिक्स है उस की हद तक जो रिस्पांसिव है तो उसका मेरा कहने का मकसद ये आम लफ्ज़ों में कि मतलब जब वो अगर एस आई एफ सी के थ्रू सरकार ने इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है ना फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके लिए पॉलिसी सही बना रहे हैं तो उन्होंने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में है जिस तरह आपने अर्ज़ किया था कि सत्ताईस बिलियन जो नेबरिंग कंट्रीज है या फ्रेंट कंट्रीज है उन्होंने जो है वो फ्लिच किया हुआ कि वो इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब का कहा जा रहा है कि तक आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ फिर इसी उस पर मैं अब्दुल शकूत साहब जो हैं इनसे पूछता हूँ जर्नलिस्ट हैं चीज़ों को देखते हैं कवर करते हैं बहुत से आपने दो उन पर्सनलिटीज की बात सुनी जो इकोनॉमी को और एक मुल्की की को गवर्नमेंट पॉलिसी को उसको फॉलो भी करते हैं बहुत उसको मॉनिटर भी करते हैं इस तमाम उसमें कि गवर्नमेंट सीरियस लगी हुई है उसमें गवर्नमेंट इस वक्त तमाम तोजो उनकी है कि इकोनॉमी टेक ऑफ करे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाए फिर अपोजिशन उसमें जो इस्लामाबाद में दावा बोलने की कोशिश की गई जो जिस तरीके से एक चढ़ाई करने की कोशिश की गई और ये कोई पोलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर नहीं है ये उनके कोई दो लीडर नहीं है चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तवा इस तरह करता है तो इकॉनमी को ये डेंट डालने की क्या कोशिश नहीं बहुत शुक्रिया शाहफिकार साहब आपने मुझे मौका दिया आज एक एबिनश में बात करने का आ, बिल्कुल आपकी बात बजाय मैं आपसे इतफा करता हूँ मैं आ, जो इस वक्त हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने इकॉनमी जो हमारी इस वक्त बूस्ट कर रही है बड़ा अच्छा इन्होंने का इन्होंने अपना उस पर ओपिनियन दिया मैं उसको थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से देखता हूँ मैं आ, ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसको क्रेडिट जाता है कि इसके आ, इसके क्रेडिट पर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तो इन, इनके क्रेडिट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में देखता हूँ ये है कि ये जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई इन्होंने ब्लेम गेम नहीं किया जैसे हम देखते हैं माजी मिस तरह की चीज़ें हमने देखी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें थी गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने बजाय इसके कि किसी चीज़ पे फोकस करें अपने अहदाफ सेट करें और एक मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएं, उन्होंने ब्लेम गेम में अपना तीन साढ़े तीन साल गुजार दिया और एक उसमें एक महंगाई का और मसाइल का एक गिरदाप खड़ा कर दिया तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पी गवर्नमेंट है उसके क्रेडिट पर एक चीज़ तो ये कि उन्होंने ब्लेम गेम पर बिलीव नहीं किया ना उस पर उन्होंने कोई कभी बात की एक चीज़ दूसरी चीज़ ये मैं देखता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी शाइतगी है उन्होंने कभी भी जैसे फिर मैं उसको रिलेट करूँगा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने जलसों में उनके वर्कर्स इवन जो है ना उनकी जबान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में शास्तगी का जो आंसर है वो उनमें नहीं पाया जाता इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है उस पर शाइतगी को बरकरार रखा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी मैं समझता हूँ वो ये कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने अपने अहदाफ सेट किए हैं अब ये जो तीन चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उन्होंने अपने गोल सेट किए उन्होंने दाएँ बाएं देखने की सियासत नहीं की उन्होंने जो उस वक्त जब, जब उनको एक गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त हम, हम सब जानते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी मुल्क जो है ना लोग इंटरनेशनली ये कहा जा रहा था कि ये जो है ना वो डिफॉल्ट की तरफ चला, की चला, जाएगा। चला जाएगा और बड़े श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी कि श्रीलंका जैसा हाल हो मिसालेंसी तो उस वक्त भी उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अपनी जो उनकी एक जैसे अजीज साहब ने कहा कि उनकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी बरकरार रही और अब हम देखते हैं कि वो उनका जो एक मेहनत थी या उनका एक हार्ड वर्क था या उनके एक जो जो उन्होंने एक गोल्स डिफाइन किए हुए थे उसका आउटकम हमें नजर आ रहा है अब जो माशिया शारी बड़े बेहतर नजर आ रहे हैं इन्फ्लेशन का ग्राफ जो था जो साढ़े तीन साल में उसमें बड़ी कमी नजर आई है फ़ौरन जो है ना इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि सत्ताईस ऐसे इन्होंने भी बात की आपने भी बात की कि जो सत्ताईस अरब रुपए हैं वो जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है यू इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है कवैत इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है आजाबाई की तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट मिली है और सी पैक तो आपके सामने है उसमें तो एक इन्वेस्टमेंट बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है तो मैं समझता हूं जो आपने बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसको मैं समझता हूं एक नादान पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि कौमी मुफाद है आपको कर बिल्कुल ये कोई उके है कि एस है कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर था इस वक्त आपके पास बारह ममालिक सरबरान तशरीफ ला रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और उस इस पर्टिकुलर पर उसमें जो टाइम है उसमें आपको एक कौमी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए आपको नहीं चाहिए कि आप एक फेडरल कैपिटल को बंद कर दें और उस पर एक दावा बोल दें और एक मॉप की सिचुएशन एक अनफॉर्चुनेटली आज एक बड़ा सैर इंसिडेंट भी हुआ है एक हमारे एक शहीद हो गए शहीद हो तो देखिए इस तरह की जब चीज़ें आप करेंगे तो एक इंटरनेशनली आपका क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं और आप सबसे अफसोस की बात यह कि इसका इसको, इसको लीड करने वाला वो शख्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक <coughs> एक सूबे का हेड है आप चीफ एग्जेक्टिव इस ऐसे आ, प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है जो आ, इस मुल्क के खिलाफ है तो मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए और उनको मुल्क मफाद जो है ना उसको मदद नजर चाहिए अब्दुल्ला खान साहब आपके पास दोबारा मैं आता हूँ मैं बिल्कुल एक और एंगल से ही मैं ये मेरा सवाल है पोलिटिकल जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी को आपने एक पहले इशारा था ना आपने कहा कि इकोनॉमी को आ, वो वो होना तो चाहिए उसके या पॉलिटिक्स को तो होना चाहिए मैं वही दूसरे तरीके से उसका सवाल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है किसी मुल्क के बल्कि इसके डिफेंस के लिए उसके तमाम उसके उसके लिए कितना जरूरी देखिए पहली शर्त जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मैं एक और एंगल से भी देखता हूं जो मैंने बात की सॉरी मैंने जो बात की कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के ताबे हो वो इस तरह से होता है जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक्स को समझती होती है जैसे चाइनीज की आपको मैं मिसाल देता हूं चाइनीज में माउजोतिंग की जो लीडरशिप थी फिर उसके बाद डिंग जोंगपिंग आते हैं दोनों लीडर्स को इकोनॉमिक्स पे पूरा का पूरा अबूर था और डिंग जोंगपिंग तो वो कमाल के इंसान निकले जब 1978 में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की और इंटरनेशनल ट्रेड की बात की और ओपनिंग दी ओपनिंग ऑफ द इकॉनमी की बात की तो उन्होंने बीजिंग में एक दरख्त लगाया पहले भी मैंने ये बात की थी उन्होंने कहा जब ये दरख्त बड़ा हो जाएगा चाइना ग्रो कर चुका और डेवलप हो चुका होगा और बीजिंग में आज वो दरख्त तनावर दरख्त बन चुका है इस स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूँ एक चीज़ हमें हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारे हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली बाजत समझ हमें बड़ी लेट से आती है एग्जिम बैंक की आपने बात की जो ट्रेड प्रमोशन पे एक बैंक नॉन फाइनेंशियल बैंक क्रिएट किया जा रहा है जिसका पाकिस्तान में जिस पे काम हो रहा है उसकी फॉर्मेशन पे ये 1930s और 40s में अमेरिका में बनाया गया था और हमें बड़ी लेट समझ आई ये मैं इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी मैं बात करूंगा सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी परसी स्टेब, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की मैं बात नहीं करता हूं राइट ईज ऑफ बिजनेस की जो बात की देखे इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं जाम कमाल बड़े विजनरी एक उनके साथ मैंने खुद काम किया बलुचतान के वजर अला के तौर पर जब वो थे तो वो बड़े हार्ड वर्किंग कमिटेड और नोइंग दी इकॉनमी वाली लीडरशिप की सलाहियतें रखने वाली शख्सियत है उन्होंने खुद कहा कि हमारी इकॉनॉमी और ट्रेड ग्रो जो हो रही है उसमें जो बड़ा फैक्टर है जिसपे हुकूमत पाकिस्तान काम इस वक्त करी दैट इज ईज ऑफ बिजनेस और सेकंड जो चैलेंज की उन्होंने बात की है वो दैट इज एनर्जी क्राइसिस अब पाकिस्तान के लिए जो बड़ा चैलेंज हुकूमत है पाकिस्तान के लिए जो बड़ा चैलेंज है दैट इज टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस हम बड़ी रायट सिमत में है आपने खुद कहा देर आयत दुरुस्त आयत कि हम ट्रेड के हवाले से एक अलग बैंक बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक मैं, बड़ी अच्छी मैं, 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 मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूं क्वेश्चन ही मेरा बाज देखिए देर आयत दुरुस्त इसलिए मैंने कहा कि बाज तो ये होता है गवर्नमेंट को समझ भी नहीं आती साल दो साल की चीजें किधर से चीजों को लें किस सिम की तरफ जाए तो कम अज कम ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो स्टेप्स उठाए जो मशीनरी है मसबत पहलू मैं बताता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप है फेडरल गवर्नमेंट में वो इकोनॉमी को जानती हैं वो बिजनेस को जानती हैं वो बिजनेस स्टेबिलिटी को भी जानती है और जो दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले भी कुछ वक्त पीडीएम को मिला आप ये कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है फिर केयर टेकर गवर्नमेंट भी वही इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉनिटरी और लेके आगे चल रही है आगे ले जाया गया तो इस गवर्नमेंट में टेक ऑफ करने के लिए बड़ा अच्छा एक्सपेड वर्क पहले से मौजूद था ये एक अपॉर्चुनिटी है मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहता हूं अपॉर्चुनिटी को अवेल करके राइट सिंथ में जाना ये ये यकीनन एक पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होती है तो मैं ये समझता हूं ओवरऑल जब आप इंडिकेटर्स देखेंगे आज भी मैं चेक कर रहा था मुख्तिक वेबसाइट्स को कि हमारी इकॉनमी ट्रैक पे है अब जो इंटरनल पैसिफिकेशन की आपने बात की है इससे पहले जो हमने बात की थी इंटरनल पैसिफिकेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वो बहुत जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन के लिए और ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए हमारी चून के कंजम्शन बेस्ड इकॉनमी है तो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनॉमी से एक जम से एक, 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 एक दम से हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं कंजम्पशन बेस्ड इकॉनॉमी इज ऑलवेज ब्लेसिंग जोजफ स्टिक्लिट्स लिखता है कि कंज्यूमर्स आर वेरी गुड इंप्लॉयर्स एज वेल तो वो जो हमारी इकोनॉमी है जो एफ बी आर के रिफॉर्म्स हैं थोड़ा उसमें सोचने की ये भी जरूरत है कि हमारी कंज्पन बेस्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा ये टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से हिट ना हो जाए क्योंकि दैट इज एंप्लॉयमेंट जनरेशन एक फैक्टर है हमारी इकॉनॉमी में यह जो ट्रांजिशन हमने करना है फ्रॉम कंजम्पन बेस्ड इकॉनॉमी टू प्रोडक्शन बेस्ड इकॉनॉमी फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स इसमें जो एक बहुत ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि राइट डिसीजंस लिए जाए और मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसीज में एक कंसिस्टेंसी पैदा की जाए जो डिसीजन लिए जाए डेलिब्रेशन के बाद लिए जाए और फिर उनको कंसिस्टेंसी कंसिस्ट तरफ जाए डॉक्टर अजीज साहब एक थोड़ा सा लोग इसको भी शायद एक्सप्लॉय कर रहे हैं लेकिन चीजों को आ, दो महीनों में जो हमारे टारगेट्स थे जो हमने सेट किए हुए थे वो शायद उस तरह नहीं आ सके ओवरऑल दो महीनों में 96 बिलियन का शॉर्टफॉल रहा लेकिन तीसरे महीने का अगर उसका पर मंथ देखें हौसला अफजा बल्कि दो बिलियन प्लस आए तो ओवरऑल उसको देखें कि वो फिर अठानवे से छियानवे रह गया अब आगे जाकर तीसरी जो अगला अगला जो क्वार्टर शुरू हो रहा है तो उसमें जिस तरह से जो पॉलिसी गवर्नमेंट्स की हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें और इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी और अगर वो जो टारगेट है उसमें उसका शॉर्टफॉल कम होगा शायद तीसरे उसमें जो है और बेहतरी आए हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जंप मारा नहीं, 40 परसेंट उसने टारगेट जो है वो ज्यादा सेट किए थे जी बिल्कुल थैंक यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिस्पांस में कुछ हवाले से दूंगा जिस तरह मैंने मॉनिटरी पॉलिसी की एक बात कही थी ना जैसे तो मैंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है मतलब वो कम कर दिए गए स्टेट बैंक ने ताकि इससे जो है मतलब जो बिजनेसिस है उसको फ़ायदा ठीक ठाक पहुँचा अच्छा लेटेस्ट जो मतलब न्यूज़ आ रही है उसमें ये गवर्नमेंट के जो टी बिल्स थे वो जिस रेट पे जो है मतलब वो बिल्ड होने थे तो वही रेट जो था वो दरअसल मार्केट से नहीं मिला कम रेट पे जो है मार्केट डिमांड कर रही थी तो ये अच्छे इंडिकेटर्स है इस हवाले से अच्छे इंडिकेटर्स है कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नौ हज़ार सात सौ अरब रुपये जो था वो डेट और सर्विसेज के लिए जो है रखा था इनकेस अगर ये तजर्ब वगैरह बैंक से बाकी इदारे जो है वो लेते हैं तो हमारा जो डेट सर्विसेज है एट द एंड ऑफ द ईयर ये आठ हज़ार दो सौ बिलियन के करीब आ जाती है अब अगर हम लोग जो है वो डिफरेंस निकाले यानी नौ हज़ार सात सौ का माइनस कर दे आठ हज़ार दो सौ का तो मेरे ख्याल में पंद्रह सौ बिलियन का जो है वो आ जाता है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है फ़ायदा पहुँचेगा ये इन पॉलिसीज़ का बेसिकली जो है मतलब आउटपुट है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है मतलब रिस्पॉन्सिव बना दिए रिस्पॉन्सिव इन अ सेंस टू मार्केट इंडिकेटर्स जो कुछ आ रहे हैं इसी तरह जो है मतलब ये भी जो है मतलब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो है वो आया था मलाशिया का तो यहाँ पर ट्रेड के हवाले से रिस्पॉन्स ये था कि इस वक्त हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है मलाइया के साथ मेरे ख्याल में एक बिलियन डॉलर के लगभग है अच्छा ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि अगले पाँच से दस साल तक जिस तरह आपने कुछ सेक्टर का कहा था जिस तरह आ, मीट है इसी तरह हलाल मीट है या जो राइस है बाकी वो चीज़ें पाकिस्तान की जो पोटेंशल है वो मलाइशिया को इन मद में चार से पाँच बिलियन डॉलर की जो है वो होगी और वहाँ से इम्पोर्ट भी इसी हद तक जिस तरह पाम ऑयल वगैरह है ये है ना और हमारे यहाँ भी जो है ओलिव ऑयल के लिए बड़े अच्छे जो है मतलब इन्वामेंट बना हुआ है उसमें अगर सरकार जो है या लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर ले तो फ्राम आयल जो है मतलब हम मलाइा कुछ भी जो है मतलब बिल्कुल रिजनशेप है और बड़ी अच्छी क्वालिटी में जो है वो बेच सकते हैं तो ये चीज़ें जो है मतलब रिस्पॉन्सिव अप पॉलिसीज टूवर्ड इकनॉमिक इंडिकेटर्स ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है मतलब वो समझ लिया जिस तरह खां सर बड़ी अच्छी बात की मैं सैकेंड कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी सीरियस है और इसकी जो टीम है वो इकनॉमिक को काफ़ी हद तक समझती है तो इन चीजों को जो है मतलब वो राइट ट्रेक पर ले आना मेरे ख्याल में ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन हैं इकोनॉमिक को पे। पे। आ, शकूर साहब एक साथ में बात यह आ रही है मेरा फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर एक वजीर अपने सूबे में इस वक्त आप देखें मुराद अली शाह साहब अपने तौर पर लगे हुए हैं कि दिन रात को कोई कोशिश करें एक हमें एक ऐसा माहौल लगता है जैसे कंपिटिशन का माहौल मीर सरफराज भुट्टी साहब बलुस्तान में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पर किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को रिलीफ दें और पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी भी उनके बिलावल साहब का ये दूसरा तीसरा दौरा है कि मॉनिटर करे चीज़ों को मुराद अली साहब से वहाँ लगे हुए वहाँ पर मरीम नवाज साहबा जो है आ, वो बींग ए चीफ मिनिस्टर हर दूसरे तीसरे दिन किसी चीज़ का अफ्तः कर रही हैं वो कर है। इसमें चौथा सूबा आपको नजर नहीं आता कभी हम नहीं देखते हैं कि कहीं वो कोई उनके कोई किसी चीज की इनाग्रेट करें सिवाय बातों का सिवाय जो है उसका फिर इस तरह का वो करना तो उनको तवज्जो अपने सूबे में देने चाहिए उसके बाद फिर अपोजिशन करें तो फिर भी बेहतर है आ, शेर साहब बिल्कुल मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ जो ओवरऑल इकॉनॉमी एक, एक की बात करें कि इसमें हम एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव राइज हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं अब नेक्स्ट इसमें बात ये होती है कि एक चीजें अगर राइट डायरेक्शन में है तो उसका ट्रिकल डाउन जो तक पहुंचना चाहिए आ, मतलब एक आम आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या माशीशारी बेहतर है उसको अपने किचन चलाना है और उसने अपना एक बजट बनाना है उस बजट के तहत उसने जो है ना वो अपना पूरा महीना चलाना है तो एक आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा इसमें फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा तो आ, आम आदमी जो है ना उसकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं आएगा तो मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो बाकी तीव और तीव वो उस सूबे की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर टेररिज्म वो है वो पाक अफवाज के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स उनके साथ मिल के पुलिस को उनकी इस्तेदात के मुताबिक उसको यूज करें ताकि टेररिज्म खत्म हो एग्जैक्टली मैं आप बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं अब जैसे बात हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अब आप देखें कुछ अरसे में दो तीन दफा जो है ना वो पांच दफा पांच दफा जो तारर साहब है वो कहते हैं रिकॉर्ड की बात है पांच दफा जो है अब अब उसमें यह कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना रोल प्ले कर दिया लेकिन अब प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है कि वो जो पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो अगर कम हुई हैं तो उसका जो एक असर है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए इसमें मैं जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि मरीम नवाज साहबा जो है ना उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो किराए हैं इस हवाले से उन्होंने उसको इंश्योर किया कि किराए किए में कमी हो

वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक्स में स्ट्रेटजी बनाई जाती है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज विद द कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज और सेकंड ये है टू इंप्रेस द इंटरनेशनल मार्केट्स तो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए जब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज होंगे यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे यहाँ पे पोलिटिकल एलिट्स आएगी घर्मेंट्स के नुमाइंदे आएंगे वो देखेंगे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है हमारे पास क्या क्या पोटेंशियल है वो अगर उनको हम समझाने में कामयाब हो सकेंगे कि के यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं टूरिज्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं माइनिंग में दीगर कंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट के बड़े मौक हैं इसी तरह से और भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखेंगे तो इससे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज हमेशा से ये डेटा बताता है कि इससे इन्वेस्टमेंट पे एक स्टिमुलस का काम हो जाता है दो का, तो का दो दो एक्टिविटी पहले बहुत अच्छी हुई एक तो कर, जो कराची में जो वो एग्जीबिशन था एग्जीबिशन था फेयर था फिर दूसरा जो सऊदी बिजनेस सबमिट था ये भी मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मैक्रो लेवल पे भी होने चाहिए माइक्रो लेवल पे भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ 2018 में एक वफ्त बलोचिस्तान से पूरे पाकिस्तान से गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से चाइना में इनवाइट किया गया था मैं भी उसमें शरीक था हमें जब वो ले गए तो वो हम अपनी मार्केट्स भी हमें दिखाते थे और एक जगह एक मार्केट हमें ले गए जहाँ पे जिसको उन्होंने ये नाम दिया था कि यहाँ पे बारगेन होती है तो हमारे साथ जो नुमाइंदा थी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आप जो पैसा आपको दिया गया है वो आप दोबारा हमारे मुल्क, मुल्क में लगाएं और चीजें यहां से खरीद के ले जाएं तो जितने भी लोग वहाँ उस मार्केट में गए उन्होंने खरीदारी की ये माइक्रो लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है माइक्रो लेवल पे वो जरा खारजा जो जो इकतसादियात से मुसलिक लोग होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बुलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और डेलीगेशन्स को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाए मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्रोडक्शन में भी मैन्युफैक्चरिंग में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत है माइनिंग में जो कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो हमारे पास हमारे लोगों के पास इतने वसायल नहीं है कि वो हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सके इसके लिए आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जरूरत है तो माइनिंग में लोगों को बुलाया जाए और उनको दिखाया जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल है दीज आर दी कंपेटेटिव एडवांटेजेस और ये हमारे कंपेटेटिव एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम क्या उनको एक्सपोर्ट कर, कर, कर सकते हैं क्या उनसे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव एक मस्बत पॉलिसी है हम अगर उसको कहें कि माइलस्टोन साबित होगा फिर होगा डॉक्टर अजीज साहब जाम कमाल साहब अभी एक अपने उसमें कह रहे थे कि एस को कुछ चीजें ऐसे हैं प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि एस को जो समीडा है उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको दोबारा से वो रिवाइव कर रहे हैं पहले तो यह था कोई अदम तोजह का शिकार था लेकिन अब उसको तोज्जो दे रहे हैं ताकि Uh, ये सेक्टर भी थोड़ा वो करो तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इकॉनॉमी पे कितने कितना उसका जो है वो हिस्सा होता है अच्छा थैंक यू ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो सबसे बड़ा जो रे ऑफ होप है ना उम्मीद की कि जो किरण है वो बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्पेशली स्मॉल अच्छा स्मॉल इकॉनॉमी की uh, सॉरी जो इसो इंटरप्राइजेज है या बिजनेसेज है ना तो हम जब भी कहते हैं ना कि कोई इंडस्ट्री अगर इंस्टॉल होना है तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक जो है वो कैपिटल सरमाया जैसे कि दूसरा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स इंसानी सरमाए जैसे कि थे स्किल वगैरह या जो लोग हैं ठीक है अच्छा स्मॉल इंटरप्राइज़ में ये है कि मतलब सरमाया छोटे लेवल पर हमारे लोगों के पास है बड़े लेवल पर ना जो कारपोरेट बिजनेस होते हैं बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वो दरअसल उसके लिए ठीक ठाक सरमाया जो है जो सरमाइनिंग इंडस्ट्री है तो या सपोज आप कह सकते हो ना दूसरी जो कमर्शल लेवल पर एग्रीकल्चर है या लाइफ स्टाइक पर वो बहुत मुश्किल है लेकिन स्मॉल लेवल पे जो है मतलब नो डाउट कि लोगों के पास सरमाए काफी हद तक है और कम से कम जो टारगेटेड लोग चाहिए गवर्नमेंट उसको उस गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे तो उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलुस्तान स्टार्ट किया हुआ है ना ब्लेप के थ्रू तो तब्लब के थ्रू स्मॉल एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज के लिए जो है डिफरेंट उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट में सेवेंटी परसेंट गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है थर्टी परसेंट जो इनकांड या इनकेश हो वो इंटरप्राइजेज दे रहे हैं जो खुद उस सर्वे का जो था तो वो पार्ट था उसमें बड़ी ज़बरदस्त यहाँ लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था सपोज कोल्ड स्टोरेज था यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी यहाँ पे कॉटेज जो है वो है एग्रीकल्चर की जो पल्प वगैरह है या जो मजीद वेलीवेडेशन है वो यानी बिल्कुल हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है इस

वो, इस सपोर्ट के तो जाए। वो एक लाख तक जो है वो ठीक है शेखु साहब आपसे फिर मेरा क्वेश्चन वही होगा कि गवर्नमेंट की अगर आप अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी कोई किसी भी एजिटेशन और प्रोटेस्ट जो है कुछ कल भी हुआ कल भी हुआ आज भी, हुआ, आज भी हो रहा है उसको उन्होंने अपने तौर पर बावजूद इसके कि एक कांस्टेबल को उन्होंने शहीद कर दिया अभी तक ना उन्होंने कोई गोली चलाई है हल्का फुल्का लाठी चार्ज और गैस ये जरूर बिल्कुल आप सही गवर्नमेंट रेस्ट्रेड बिल्कुल इन्होंने शुरू से एक चीज़ देखी है जो इस वक्त इनकमेंट क्योंकि प्राइस मिनिस्टर की बिल्कुल हदायत थी कोई ऐसा ना हो कि जिसे किसी कारकुन की जान जाए एग्जैक्टली exactly, आप सही कह रहे हैं इस आ, अगर हम ओवरऑल देखें ना जो इस वक्त की गवर्नमेंट है इसकी हम शुरू से एक चीज़ हम देखें तो ये गवर्नमेंट कभी भी एग्रेसिव नहीं रही इन्होंने कभी भी कोई चीज़ किसी इस तरह का अगर मॉब हुआ या लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तो उसके साथ इन्होंने पॉलिटिकली उस चीज़ को उसका चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया इस वक्त भी जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं और आ, आ, एक मॉब की सी एक सिचुएशन है जिसमें जो है ना पूरी स्टेट फंक्शनरीज को जो है ना उन्होंने एक वो किया हुआ है पाबंद किया हुआ है और उनका एक ही एजेंडा है मतलब एक एक, एक अपने एक एजेंडे के तहत एक प्रेशर बिल्ड, बिल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट पे बावजूद इसके गवर्नमेंट के पास ताकत भी है और उसको आ, 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 उनके पास एक बिल्ड करें तो कोर्ट 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 में 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 जाएं इसका वो को कोर्ट में चल रहे हैं केसेस एक्चुअली uh, ये जो तो पॉलिटिकल उनकी एक मैं पहले मैंने पहले भी बात की कि ये जो जो इस तरह की पॉलिटिकल जो, पार्टी जो है इसके पास पहले भी कोई इस तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं रही कोई इसके पास कोई अपनी कोई विजन नहीं रहा इन्होंने हमेशा से आप, आप, आप देखे पी की प्रीवियस गवर्नमेंट में देखें तो उस वक्त भी एक हाई लेवल डेलीगेशन जब आ रहा था तो उन्होंने सेम इसी तरह की सिचुएशन उन्होंने उस टाइम को कैश किया और एक लाइम लाइट में आने की कोशिश तो की चौदह में exactly प्रेसिडेंट अपना तो, दौरा कर अब से भी से, मैं समझता हूँ अब भी इनका एक ही एजेंडा है कि वो अब एक प्रेशर बिल्ड करें और जो एक गवर्नमेंट है उसको ब्लैकमेल करें और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इस वक्त भी बिल्कुल अब तो एक जो है ना वो बड़े तहमुल से और बड़े बेहतर तरीके से इनको टैकल करी है और अब अभी जो लास्ट इस वक्त जो सिचुएशन है आ, भी मुलाकात हुई है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब गए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है लेकिन आ, जो लोग इस वक्त निकले हुए हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मौका नहीं है कि आप जो है ना वो उसको कानून के हाथ में लें और इस वक्त जो है ना दुनिया आपकी तरफ आ रही है फ़ौरन इन्वेस्टर्स आपकी तरफ आ रहे हैं फ़ौरन जो ऐसे बड़े सरबराहान अमरिक आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस सिचुएशन में समझता हूँ कि उनको जो है ना वो थोड़ा सा अपनी जो है या जो उनका एक तरीकाकार है उस पर रिव्यू करने की जरूरत है लेकिन गवर्नमेंट तो कामयाब हुई है कि उसने कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं किया कोई ऐसा फोर्स जिससे किसी की जान जाए ऐसा दूसरी तरफ से हालांकि ये इंस्टिगेट करने की कोशिश की है पुलिस को बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, अब देखे नाइटी फाइव नाइन्टी के करीब पुलिस जो मैंने वो जख्मी बिल्कुल ऐसी अभी अब्दुल हमीद शाह आप देखे ना एक ये अब्दुल हमीद शाह दे कुर्बानी जो उसकी अब्दुल हमीद शाह की कुर्बानी है वो इससे अब आप देखें ना उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उसके बावजूद इस वक्त इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में फौज तैनात है रेंजर्स हैं पुलिस है और लेकिन यह कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके जो मॉब है उसको ना उस पर गोली चलाई ना उस पर कोई तरह का कोई तशद हुआ अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उनको किसी तरीके से इस सिचुएशन को इस मामले को पोलिटिकली इसका कोई वे आउट निकाले तकरीबन हैंडल नहीं। तो उन्होंने कर दिया कि देखिए जो जो उनका ख्याल था कि हम कितने लाख लोगों को आएंगे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे वो चीज़ तो नहीं मिले ही हो सकी बहुत वो तो एक मतलब आप जो इस वक्त नंबर देखें जो सब इस्लामाबाद में लोग आएँ जो उनका क्लेम था कि हम इतने लोग लेकर आएंगे और इस तरह सारा, सारा पूरा फेडरल कैपिटल उसको ना उस जिंदगी जाम कर देंगे और सारा की इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं चूँकि लोग समझ मैं समझता हूँ कि लोग भी अब उनकी जो जो चीज़ें उनको समझना शुरू कर दिया अब कई आप, आप, आपने भी देखा हो कई लोग जो उनके पुराने लोग उनके साथ थे वो भी साथ छोड़ना शुरू करते जा है, रहे तो हैं उनको, उनको समझ आ गई है कि इनके पास ना कोई विजन है ना इनके सामने कोई स्टेट इंटरेस्ट या कोई इंटरेस्ट जो मुल्क की इंटरेस्ट इनके सामने जज्बाती सियासत सामने से वैसे कोई वो नहीं होता अब्दुल्ला खान साहब आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज साहब आपका शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब आपका शुक्रिया नाजीन यही हमने आज डिस्कस किया इकॉनॉमी गवर्नमेंट के एफर्ट्स अपने तौर पर तमाम पॉजिटिव इशारे जो जिस तरह आ रहे हैं उससे हौसला भी होता है हर पाकिस्तानी को कि गवर्नमेंट की इकानी राइट डायरेक्शन पर है और इन वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान अपने इकॉनॉमी के जितने है टारगेट हैं उसको अचीव कर ले लेकिन साथ साथ जरूरी है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो भी कौमी मुफाद देखें और उन चीज़ों को एवॉइड करें होना तो ये चाहिए था कि ऐसी वो कॉन्फ्रेंस आ रही है प्राइम मिनिस्टर मलेशिया प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद था वो कहते कॉल ऑफ हम बाद में देखेंगे जो इतजाज करना है नहीं करना है लेकिन इस मौके पर तो हम गवर्नमेंट और क्योंकि मुल्क का मसला है ये हुकूमत का मसला नहीं है आने वाले प्रोग्राम तक शजाजुल्कार को इजाजत दीजिएगा अल्लाह